लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक कॉल इंडिया की गई है, ये रही डिटेल्स। ब्लास्ट, रॉ भी मेंशन है और कुछ डिलीवरी करने की बात भी की गई है। कॉलिंग लोकेशन क्या है? गिजरी। क्या उनमें से एक ये था? जी हाँ, लेकिन ये तो डॉक्टर थे। आपको यकीन है कि वो डॉक्टर था? जी हाँ। अंदाजा है यहाँ से कहाँ गए होंगे? कोई इंडियन काउंसलेट का पता पूछ रहे थे। अनिश्चित अनिश्चितकाल तक बंद, कृपया हिंदुस्तानी दूतावास इस्लामाबाद से संपर्क करें। ए तो कौन सा वाला पढ़ रहा था? उर्दू वाला। ऐसे कैसे बंद हो सकता है यार? तो इंडिया की तरह बात बात पे छुट्टी। ये पाकिस्तान में भी है ना इंडिया टाइप बिहेवियर। ऐसा में भूख लग रही है। ऐसा में काम करता हूँ, पूछता हूँ किसी से। तू बैठ। दादा एक अभी खुलेगा? नहीं खुलेगा डॉक्टर साहब। पिछले हफ्ते यहाँ जो गोलीबारी हुई थी उसमें किसी ने चाय वाले को गोली मार दी, तब से मैं खड़ा होकर यहाँ चाय बेच रहा हूँ। ऐसी गोली मार दी? ये कौंसलेट का इलाका है, यहाँ यही होता है। आप यही ठहरे। कराची में लोगों को गोली चलाने में मजा आता है ना? अच्छा? आलू के भाव में तो बिकता है गोलियाँ। आलू के भाव में गोलियाँ बिकती है, इसीलिए मैं भी अपनी हिफाजत के लिए ये खरीद लिया। कहीं देखा है? बहुत डेंजरस है यार ये आइटम। वो तो है। हेलो, अरे आप लोग पहुंचे नहीं? इंडिया? अरे इंडियन कॉन्सुलेट क्लिफ्टन। बात बात पे आप लोग इंडिया पहुंच जाते हैं। इसे कहीं देखा है? ये वन मिनट। ए समी, कराची वाली हॉट लेडी तेरे को बुला रही है। अबे तू क्या हाथ ऊपर कर रहा है? गोली चला। जंग बहादुर, जंग शुरू हो गए हैं। मेरे को मालूम है तो पाकिस्तानी है। क्या तूने इस लड़की को प्रेग्नेंट किया ना, इसलिए तेरे पे गोली चला रही। मेरे को मालूम है। वो लड़की ने क्या, वो चाय वाले को प्रेग्नेंट किया था, वो चाय वाले ने उसको गोली मारी। समझ में आ गया। क्या? मैंने किसी कपड़े चुराए थे? मुर्दे के? और मर्दा बोलता नहीं। हाँ? और तूने किसके चुराए थे? बल 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 डॉक्टर के। और डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर ने अपने बीवी को कंप्लेंट की और बीवी अपने पति का कुर्ता पजामा वापस लेने आई है, इसलिए हम पे गोली चला रही है। क्या कंट्री है यार, कुर्ते पजामा के लोग दूसरे को गोली मार देते हैं। क्या चाहते हैं ये दोनों? मुझे डर है इनकी वजह से आवाम में दहशत न फैल जाए। आई एग्री, वी मस्ट कीप इट अ सीक्रेट। सम्मी, मैं और नहीं चल सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। अरे चलना पड़ेगा। ए, मैं बैठ रहा हूँ, प्लीज मुझे खिला दे, मेरे को भूख लग रही है। या तो खिला दे या तो मेरे को लोरी गा के सुला दे। कौन हलावे लिमड़ी ते को।
काम है, चोरी बुरी बात है, चोर के हाथ पे लिख देते हैं, चोर मेरा बाप है। तुम दूल्हा नहीं है, नहीं। ये डॉक्टर नहीं है, और तुम लोग पाकिस्तानी भी नहीं है, हिंदुस्तान से आया है। हाँ। वो भी पोर्ट से वाड़े। आप पहले इंसान है जिन्होंने हमारी बात मानी, वरना कोई मानने को तैयार ही नहीं है। हमारे माथे पे के बेवकूफ लिखा है, अब हमको बताओ हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करें। यूट्यूब मेरे पापा का और मेरा गरबा करते हुए डांस का वीडियो है टीना की शादी का। यूट्यूब पाकिस्तान में बैन है। क्या काइप बैन? व्हाट्सएप बैन। अंकल आपके घर पे 3G है क्या? मैं तो बोला कटवा लो, बहुत पैसे बचेंगे, सब कुछ तो बैन है। अब हमको बताओ तुम किसका आदमी है, इसने भेजा है तुमको? हम किसी के आदमी नहीं है, किसी ने नहीं भेजा हमको। वो भूख लगी थी इसीलिए पिज्जा चोरी कर लिया, हमको क्या पता था कि पिज्जा के डब्बे के अंदर बंदूक है। तो इसने चोरी की थी भाई। तुम्हारा नुकसान कौन भरेगा, तुम्हारा बाप? इसका बाप भरेगा ना। क्या? ए भाई मेरा बाप मेरे को पैसे नहीं देता, इसको क्या देगा? हमको देगा, उसका बाप भी देगा। जुबैर भाई नंबर बोलो। 7। हम फोन नंबर की बात कर रहे हैं। 9820365608। हेलो, नाम क्या? केदार पटेल। हेलो केदार पटेल। हेलो, हम तुमसे नहीं तुम्हारे बाप से बात कर रहे हैं। नितेश भाई, केदार पटेल ये है। हेलो मितेश भाई, हम कराची पाकिस्तान से अजहर बलोच बात करते हैं। अरे मारा भाई, अगर बोट बुक करने का है तो ऑफिस में फोन करो ना। अरे ओ नाकू, हमारा बात गौर से सुनो, तुम्हारा बेटा और उसका दोस्त हमारे पास है। अगर तुम केदार और शम्मी का दोस्त है ना, तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। अरे हम किसी का दोस्त नहीं हूँ। एक मैं ट्राई करूँ, समझाओ नहीं। अरे मितेश भाई क्या कर रहे हो आप, आर्ग्यू क्यों कर रहे हो? अरे गोली मार देंगे हम लोग को, आपको पता है ना हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं। एक मिनट। हेलो पापा, पापा मेरे को कभी सीरियसली नहीं लेते, लास्ट टाइम मेरी बात मान लेते तो फ्री में काम हो जाता मालूम, अभी भरो पैसे आप। अब तुमको हमारा बात समझ में आया, अब हमारा काम की बात सुनो। एक 10 चाहिए तो 20 मांगो, 20 चाहिए तो 40, जो भी मांगोगे आधा ही मिलेगा। 1 करोड़। क्या? हेलो 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 हेलो। 1 करोड़ दोनों का? अरे भाई एक काम करो ना, 50 में तुम रख लो। अरे तो हमारा नुकसान कौन भरेगा? नहीं नुकसान, अरे भाई कितना नुकसान हो सकता है, तुम्हारे पास तो सिर्फ 2 दिन से है। अरे मेरे घर में तो जन्म लिया उसने। हमने तुमको तोड़ी कहा था, इनको पैदा करो, हमारा नुकसान पूरा करो और बाढ़ में जाओ। 50 बहुत ज्यादा है, एक काम करते हैं, चलो 25 में नकी करते हैं। अरे तुम कितना बहस करते हैं, 30 में डन करो। 30 लाख? लगता है कि कराची में रेट बदली हो गया है। चलो ठीक है, 20 काम होने के पहले और 10 डिलीवरी के बाद। ठीक है नाकू भाई, जब तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो जाता। जी ये हमारा खास मेहमान है, इनका खास खिदमत करो। बिल्कुल भाई। क्या कहोगे?
अब हम थोड़ा सीख कबाब, तंगड़ी कबाब, चपली कबाब चाहिए, रुमाली रोटी लाइएगा और थोड़ी सी बिरयानी हो तो अच्छा है। नल्ली निहारी मंगा दीजिएगा और भेजा मसाला, मटन चाप और कलेजी, फिरनी उरनी मीठे के लिए बाद में, और अगर आपको कुछ और अच्छा लगे तो भेज दीजिए। अंकल मेरे लिए तो ये सारी चीजें वेज में। ठीक है भाई, ऐसा पहुंच गया। तो ठीक है, इनको भी इनकी मंजिल पर पहुंचाओ। हमारा बात सुनो। अरे ओ नाकू, हम तुमसे बात करता है, हमारा बात गौर से सुनो, हम तुमसे बात करता है। अजर भाई, सुनने के लिए कान की जरूरत पड़ती है, मुंह के लिए? मैं तो मुंह से खा रहा हूं, आप बोलिए, सुन रहा हूं। इधर से तू मुरंगी टाउन जाएगा, वहां से पासपोर्ट उठाएगा और सीधा भारत जाएगा, वाया काठमांडू। अंकल एक क्वेश्चन था, हम लोग वहां बैंकॉक नहीं जा सकते क्या? हमारे माथे पे क्या लिखे? खबरदार अगर मुंह खोला तो। ओ खुदाया, लेके जाओ यार इनको। जी भाई, वो रही तुम्हारी मंजिल। हाँ। भाई ये पठानों का इलाका है, किसी बलोच को देखते ही काट डालेंगे। बात बात पे लोगों को काट देते यार यहाँ पे। किस्मत ने चाहा तो फिर मिलेंगे, जाइए। अरे भाई कैसी बात कर रहे यार, आप तो ऐसे बोल रहे जैसे कि हम लोग कभी मिलेंगे ही नहीं। देखो कभी तुम इंडिया आओगे ना तो मेरे घर पे रुकना, और फेसबुक में मैं तुमको रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मेरे को एक्सेप्ट जरूर करना, और फोटोग्राफ को शेयर जरूर। अपनी खैर चाहते हो ना, उसका जबान बंद रखना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बोले? कुछ नहीं। क्या बोले? ऐसे बोल रहा था कि मेरे बारे में तो नहीं बोला ना।